हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। सो वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो कि अभी बेबी डिलीवर किया है जिन्होंने, या बेबी डिलीवर करने वाले हैं एंड देन आफ्टर दे आर प्लानिंग टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबी। बहुत सारे, जब चीजें नॉर्मल होती है तब तो कोई बात नहीं होती है, बट बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं ये सारी चीजें जानती हूँ, समझती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ में वो जो भी प्रॉब्लम्स है उनका एक रेस्क्यू लेकर आई हूँ। और ये मैंने जब बेबी डिलीवर किया था तब ये प्रोडक्ट खरीदा था और इसको यूज किया, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कुछ सजेशन दूंगी और कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगी। सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ पाए। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है ये एक ब्रेस्ट शील्ड है, या फिर निपल शील्ड आप इसको बोल सकते हो। तो ये एक ब्रेस्ट फीडिंग डिवाइस या टूल आप इसे कह सकते हो, जो कि आपको तब बहुत हेल्प करता है जब किसी भी कारण से आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं, लाइक आपका बेबी है वो प्रॉपरली लैच नहीं कर पा रहा है, फीड नहीं कर पा रहा है। सो ये आपके ब्रेस्ट को बहुत ही अच्छा सा शेप देता है जिसकी वजह से बेबी को इजी होता है लैच करना। या फिर आपके जो निपल्स हैं वो क्रैक्ड हो गए हैं या उनमें कुछ चोट वगैरह कभी कभी लग जाती है। सो उस कंडीशन में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं जब बच्चा फीड करता है। तो उस कंडीशन में आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, इससे आपका बच्चा अच्छे से फीड भी कर लेगा और आपको वो पेन भी नहीं सहना पड़ेगा। उसके अलावा क्या होता है, कई बार आपका जो ब्रेस्ट का शेप होता है वो इन्वर्टेड होता है, प्रॉपरली शेप्ड नहीं होता है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी ब्रेस्ट जो है वो प्रॉपर शेप में आ जाए और आपका बेबी अच्छे से फीड कर पाए। एक चीज और भी होती है कि जब सर्जरी स्पेशली जब होती है, सी सेक्शन होता है, तो बेबी को इनिशियली बॉटल फीड कराया जाता है और उसके बाद उसको जब हम स्विच करते हैं ब्रेस्ट फीड पे, तो वो बेबी जो होता है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो उस केस में भी आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, जैसे कि बेबी को थोड़ा सा मतलब स्विच करने में इजी हो जाए, क्योंकि ये बॉटल और आपकी जो ब्रेस्ट है उसके बीच की फील देता है बेबी को, सो वो स्विच करने में भी इजी हो जाता है, तो आपका बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर सकता है अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी इसको यूज कैसे करना है और आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सो ये इस तरीके के छोटे से बॉक्स में आया था और मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था, और ये है इस तरीके से, ये इसके साथ में ये कवर इसका बॉक्स भी मिला था ताकि मैं इसको अच्छे से सेव कर सकूं, मतलब स्टोर कर सकूं। और ये इस तरीके से दो के पेयर में आया था ये, और ये इस तरीके से इसका शेप रहता है, आप देख सकते हो ये सेमी सर्कल टाइप का रहता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत ही थिन जो है ये सिलिकन का बना हुआ है, और ये इस तरीके से यहाँ पर शेप दिया हुआ है और यहाँ इसके अंदर चार होल हैं। सो इसको आपको बहुत ही अच्छे से इस तरीके से इसको अपनी ब्रेस्ट पे फिट करना होता है, मतलब आपको ऐसे नहीं फिट करना है, ऐसे आपको फिट नहीं करना है, इसको ऐसे करके आपको फिट करना है। क्यों? क्योंकि जब आपका बेबी यहां से फीड करेगा तो उसके नोज पे आपकी स्किन आएगी, तो आप बेबी को आपकी स्किन का फील मिलेगा। अगर आप उल्टा इसको लगाते हैं, इस तरीके से इसको लगाएंगे, तो यहाँ पर ये बेबी के नोज पे ब्लॉक करेगा नोज को, तो बेबी को डिफिकल्ट होगा और वो अगेन आपके ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस से दूर भागेगा। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे यूज करें तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है, मतलब ये जो ये सेमी सर्कल वाला जो डिजाइन है ये ऊपर रहना चाहिए। सो ये बहुत ही इजी टू अप्लाई है, आराम से ये यहाँ पर आपके बहुत ही ज्यादा थिन है, तो इससे मतलब ऐसा नहीं है कि आप बेबी को आर्टिफिशियल कुछ फील हो, ये आपके ब्रेस्ट पे बहुत ही अच्छे से जेलअप हो जाता है और उसके बाद जब बेबी फीड करता है तो उसको कंफर्टेबल रहता है। दूसरी चीज की आप जब इसे यूज करें तो आप थोड़ा सा अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक्सप्रेस कर लें, ताकि जब बेबी फर्स्ट टाइम इसको सक करे तो उसके मुंह में मतलब मिल्क आएगा, तो उसको टेम्पटेशन होगी आगे। अगर वो फर्स्ट टाइम आपने ऐसे ही जस्ट डाल दिया तो एक दो बार जब वो सक करेगा तो उसको कुछ आएगा नहीं, तो वो छोड़ सकता है इसको फीड करना। तो इसलिए आप पहले थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस कर लीजिए और फिर बेबी को इंट्रोड्यूस कीजिए इस तरीके से। सो ये बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी। इसके साथ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है आपको, ये प्लास्टिक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर की आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो। तो ये बॉक्स होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं इनका हाइजीन रखना आपको बहुत जरूरी होता है। तो इसको जब आप स्टोर करें तो अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके, देन फिर आप इसको स्टोर करें तो मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये किस ब्रांड का लिया था। सो मैंने ये लिया था पिजन का, ये मैंने पिजन का लिया था और इसकी क्वालिटी मैंने चेक की थी कि अल्ट्रा थिन एंड सॉफ्ट। तो आप भी जब ले तो ये मेक श्योर कर ले कि अल्ट्रा थिन एंड सॉफ्ट हो। जितना ज्यादा ये थिन और सॉफ्ट होगा उतना ज्यादा मतलब इजी टू यूज होगा बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। सो ये चीज आप ध्यान में रखें। इसका प्राइस अगर मैं देखूँ तो इसका प्राइस है 250 रुपीज और मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया था तो ये मुझे कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला था। बहुत ज्यादा इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला था लेकिन हाँ मुझे थोड़ा आई थिंक 200 के अराउंड कुछ होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्काउंटेड प्राइस का, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो तो आपको ये थोड़े बहुत डिस्काउंट में जो भी अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद आप ये भी चेक कर लो कि इसके अंदर बीपीए या बीपीएस नहीं हो, क्योंकि ये वैसे तो ये सिलिकन का होता है शील्ड जो है, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये सब चीजें मेंशन हो। आप एक अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करें क्योंकि अगर ये प्लास्टिक हुआ तो ये मतलब बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। सो ये चीजें आपको मेंशन कर लेनी है अपने प्रोडक्ट के अंदर। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसको बहुत ज्यादा गर्म एरिया में नहीं रखना है। इसमें लिखा हुआ हीट रेजिस्टेंट 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको रूम टेम्परेचर पे ही इसको रखना है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि एकदम गर्म एरिया में या गर्म चीजों पर आप इसको ना रख दें। इसके अलावा जब आप इसे परचेस करें तो एक चीज और भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है 13 mm इनर डायमीटर, सो ये भी आप एक बार चेक कर ले क्योंकि आपकी ब्रेस्ट के हिसाब से ही इसका साइज भी डिफाइंड होता है। तो बहुत ज्यादा छोटा या फिर बहुत ज्यादा बड़ा अगर आप ले लेते हैं तो भी आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बेबी को स्पेशली दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अगर छोटा या बड़ा होगा तो वो प्रॉपरली उसमें से जो मिल्क है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। सो बेबी को फीड करने में दिक्कत होगी तो वो अल्टीमेटली छोड़ देगा फीड करना। तो ये भी आप साइज का भी ध्यान रखें, जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसमें साइज डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। सो गाइज हमने अब सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि किस तरीके से यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए और मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है। अब मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये प्रोडक्ट कभी भी डेली या 24 आवर्स पे इसको यूज नहीं करना है। ये एक सिचुएशनल प्रोडक्ट है, एक रेस्क्यू प्रोडक्ट है। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस तब आप इसको यूज कर सकते हो। वो कंडीशंस क्या हो सकती है, लाइक आपकी जो निपल्स है वो इंजर्ड है या फिर क्रैक्ड है या फिर आपका बेबी प्रॉपरली लैच नहीं कर पा रहा है, आपकी ब्रेस्ट प्रॉपर शेप में नहीं है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बेबी टीदिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जब हर किसी का बेबी जब टीदिंग आती है ना तो वो कट करता ही करता है। तो उस सिचुएशन में आपको फीड भी कराना होता है प्लस आपको वो पेन हो रहा होता है, तो वो चीज से बचने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो फॉर सम टाइम, जब तक कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो हील्ड ना हो जाए। तो ये रेगुलर आपको यूज नहीं करना है क्योंकि रेगुलर यूज करने से आपके बेबी को प्रॉपर मिल्क सप्लाई नहीं मिलेगी। आपका जो मतलब जब प्रॉपर बच्चा फीड नहीं करता तो एक्सेस मिल्क आपके ब्रेस्ट में रह जाता है, जो अगेन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब आप शील्ड यूज करते हैं तो बेबी अगर 100% मिल्क पीता है तो शील्ड के यूज के टाइम पे वो 80% मिल्क ही पी पाता है। तो एक्सेस मिल्क आप जरूर से रिमूव कर ले विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पंप और मैनुअली एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपने ब्रेस्ट पंप के बारे में जानना है, अगर आपने उसको यूज किया नहीं है, इसके बारे में कोई डाउट है तो मैंने उसके ऊपर डिटेल्ड में 2 वीडियोस डाले हुए हैं। सारा कुछ मैंने ब्रेस्ट पंप के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या फिर आप मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। सो वो वीडियो आप अगर आपने नहीं देखा तो मेरे हिसाब से आपको मस्ट वॉच वीडियो है, वो आप जरूर देखें। सो ब्रेस्ट पंप की मदद से आप एक्सेस मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हो, हटा सकते हो, वो करना जरूरी होता है, तो वो आप जरूर कर ले जब भी आप शील्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली शील्ड आपको रेगुलर यूज नहीं करनी है, जब आपको प्रॉब्लम हो पेन हो तब आप शील्ड को यूज कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट यानी कि शील्ड जब यूज करें तो यूज करने के बाद इसको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन कर ले, क्योंकि ये अगर क्लीन नहीं होगा तो फिर इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। सो इसको आप क्लीन करने के लिए स्टेरिलाइजर का यूज कर सकते हो या फिर मैनुअली भी स्टेरिलाइज कर सकते हो गर्म पानी में थोड़ा सा इसको छोड़ करके। तो आप ध्यान रखो कि आप जिस भी पॉट में या कप में या किसी भी चीज में आप इसको रखते हो तो पानी ज्यादा हो और ये शील्ड जो है वो अच्छे से उसमें डूबी हुई हो, ताकि जो भी इसके अंदर गंदगी या फिर मिल्क ड्रॉप्स वगैरह रहते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल यूजिंग दिस निपल शील्ड और ब्रेस्ट शील्ड। और मैंने जो यूज किया था वो था पिजन ब्रांड का और मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा।
मैं इसे टोटली सेटिस्फाई हूँ, बट अगर आप और कोई दूसरे ब्रांड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं एवेंट का या फिर फिलिप्स का यूज कर सकते हो, और ये पिजन का तो है ही, और या फिर मिमी का भी आप चेक कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल जो चॉइस था वो यही था और ये मुझे काफी सेटिस्फैक्टरी लगा, तो और ये अफोर्डेबल भी है। सो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और भी दो तीन ब्रांड्स का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डिस्काउंटेड प्राइस होंगे वो, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सबके साथ में शेयर कीजिएगा ताकि सबको इन चीजों के बारे में मालूम पड़े और लाइफ थोड़ी इजी हो पाए जो न्यू मॉम्स है उनकी। मेरे चैनल पे एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग नाम से, सो वो वीडियो वो प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज बनाए हैं जो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत यूजफुल होंगे सभी के लिए, और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें। सो मैं चाहती हूँ कि वो वीडियोस सभी लोग देखें। ब्रेस्ट पंप के बारे में बनाया हुआ है मैंने, मैटरनिटी पैड्स के बारे में बनाया हुआ है, एंड प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में कुछ कुछ वीडियोस बनाए हैं। सो वो सारे वीडियोस आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दे दूंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।